नमस्कार, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल एक्टिविस्ट वेद में। मैं हूँ वेद प्रकाश। आज हमारे साथ फिर से हैं मुखिया जी। मुखिया जी अक्सर हमारे YouTube चैनल के लिए चुटकुला बोलते हैं, चुटकुला सुनाते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं। आज फिर से हमारे साथ मुखिया जी हैं, लेकिन आज ये चुटकुला नहीं सुनाएंगे, आम के बारे में बताएंगे। बहुत सारे बच्चे आम तोड़ रहे हैं, वीडियो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस आम की क्या खासियत है, कौन सा आम है और किस लिए ये ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, ये सब कुछ हमको बताएंगे मुखिया जी, दरभंगा वाले। मुखिया जी बताइए क्या है। ये सर भीमा आम है, देखने में तो बहुत अच्छा मालदा की तरह लगता है, जो दरभंगा में पाया जाता है मालदा वैसे लगता है, लेकिन इसका अचारे बनता है। अच्छा हाँ, अचार इसका जो बनावटी है ना, सीधा साधा, इसका आँठी बहुत पतला रहता है काटने, और गुद्दा का अंश ज्यादा रहता है, अच्छा इसलिए इसका अचार बहुत स्वादिष्ट और हैवी बनता है, कम समय में गलता है मतलब ना। इनका कहने का मतलब है कि आंठी पतली होती है, गूदा ज्यादा होता है, अचार में जल्दी गल जाने से ही आम ज्यादा बढ़िया है, अचार के लिए, अचार बनता है। जायकेदार हाँ, अचार के लिए आम बहुत बढ़िया है। आम का नाम क्या है? ये भीमा आम है, ये विदेश तक जाते हैं, सऊदी अच्छा अरब, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जहाँ भी अप्रवासी भारतीय है वहाँ ये आम का मांग है, और ये आम डायरेक्ट जाता है, कहीं कहीं अचारे बन के जाता है। आप देखते हैं कभी बड़े बड़े कंपनी अचार बनाते तो इस आम का नहीं होता, क्योंकि इसका मात्रा बहुत कम भारत में अच्छा, पाया इसकी जाता है। संख्या कम है, मतलब पेड़ों की संख्या मुखिया जी के अनुसार कम है, इसलिए ये बेशकीमती आम हो गया, यही ना। और जी NRI जो है, अप्रवासी भारतीय, भारत के बाहर भारतीय लोग जो रहते हैं, वे लोग भी इसी आम का अचार खाना पसंद करते हैं, इसके लिए विदेशों में भी ये इसका हालांकि अचार। कलकतिया का भी बनता है, इससे भी ज्यादा गुदा कलकतिया में होता है, अच्छा लेकिन कलकतिया का समय में क्या होता है, कलकतिया आम पकने के बाद मीठा रहता है, ये पकने के अच्छा बाद किसी काम का मतलब नहीं। कलकतिया आम जो है पकने के बाद भी स्वादिष्ट हाँ, है, लेकिन स्वादिष्ट इसका है, एकमात्र उद्देश्य है, उद्देश्य के अचार का ही, पकने के बाद ये किसी आम काम का कहता नहीं है कि रहता। हमें पकने के बाद मत खाओ, हमें हाँ, कच्चा में ही तोड़ ले और अचार बनाओ, अचार बनाओ इसीलिए पूरा आम कच्चे जी, में ही तोड़ा जा अगर रहा पक है। जाए, अगर एक आम आप खा लीजिएगा, सब दांत खट्टा हो जाएगा, कोथ हो जाता है, इसको मैथिली में कोथ बोलते हैं, तो मगही कोथ में हो भी जाए, कोथ बोलते हैं, कोथ पूरे बोलते हैं। बिहारी हाँ, भाषा में कोथ बोलते हैं। कोथ हो जाता है, तो इसका अचार बहुत बढ़िया बनता है, आप भी खाइए। पकने नहीं दीजिए, कच्चे में तोड़ लीजिए, खूब मजे कीजिए। और गांव जवार से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शहर में रहें, विदेश में रहें, कहीं भी रहें, हम आपको आपके गांव से जोड़े रखेंगे, आपको अपने गांव मिट्टी से दूर नहीं होने देंगे, आपकी भाषा से भी, मातृभाषा से भी दूर नहीं होने देंगे, है ना मुखिया जी जी? जी जी और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वेद जी का, हम ही हैं उमेश मुखिया, दरभंगा वाले, चुटकुला जो कहते हैं, लेकिन अभी नहीं, इसके बाद राजनीतिक माहौल बहुत गर्म हो चुका है, अगले बार चुटकुला आएगा, हर नेता के ऊपर एक एक चुटकुला चुनाव आने होगा। वाला है, इसलिए मुखिया जी फिर से हाँ सक्रिय हो जाएंगे हमारे YouTube चैनल के लिए, फिर से चुटकुला सुनाएंगे, खास करके पॉलिटिकल। और मैथिली आप पसंद करते हैं, मैथिली वासी हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथिली चुटकुला मुखिया जी बहुत अच्छे से बोलते हैं। हमारे चैनल पे दो तीन चुटकुला इनका है जो खूब चला है ना मुखिया जी? जी, दरभंगा वाले मुखिया जी नाम से चुटकुला आप खोलिएगा सर्च तो करिएगा वहाँ तो मिल जाएगा, मिल दरभंगा जाएगा। वाले मुखिया जी का मैथिली जोक, जी हंसाते हंसाते कर देंगे लोटपोट। जी तो गौर लगे छी, जरूर सब्सक्राइब करब, चलते हैं। आई आम के अचार जरूर खाएब, कहब तो हम अहाँ के भेज देब, गौर लगे छी।